बीपीएड और एमपीएड में सीधा प्रवेश 2022 और 23 नागपुर सरकारी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर अजगर अली, मोबाइल नंबर 9414003783 और 8114408343 पर संपर्क करें। भैया आप कहाँ पे, अभी किस जगह पे हैं? अभी यहाँ पे डंपिंग यार्ड है सर, ये क्या हमारे मार्बल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर किशनगढ़ डंपिंग यार्ड है। इनके अध्यक्ष श्री हमारे सुधीर जी जैन साहब है। यहाँ पे क्या फैसिलिटी है? अजमेर से कितना किलोमीटर दूरी पे पब्लिक ये अजमेर से 30 किलोमीटर दूरी पे है सर ये, ठीक है। और जयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे फुल फैसिलिटी है, आपको बाथरूम वगैरह है, चेंजिंग रूम है, पानी की व्यवस्था है। आसपास वालों के लिए आने जाने की व्यवस्था के लिए कोई ऑटो वगैरह, कोई बस गाड़ी वाड़ी चलती है? हाँ सर, ये किशनगढ़ में फेमस जगह है। आप कहीं भी बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से किसी भी टेम्पो वाले को बोल दोगे कि हमें किशनगढ़ डब्बे के आड़ जाना है, तो वो तुरंत आपको यहीं पे परमिशन दिला के आपको यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। क्या सुविधाएं आके यहाँ पे, क्या चीज़ें ऐसी जो कि यहाँ पे पब्लिक कितने? सबसे अच्छी तो ये क्या है, ये सेल्फी पॉइंट है सर, ये हमारे राजस्थान का मिनी कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पे लाने का कोई चार्ज नहीं है। हाँ सर, ये जब किशनगढ़ में है, यहाँ से बाहर से पब्लिक वगैरह आती है काफ़ी देखने के लिए, या ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो लुभानी चीज़ है उन लोगों के लिए काफ़ी? सर ये है कि आप यहाँ से आके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये यहाँ पे क्या मिट्टी है ये है, लेकिन आप जब भी सेल्फी लोगे या जब वीडियो लोगे तो आपको ये लगेगा कि ये कश्मीर जैसी आपको पूरी लोकेशन दिखाई देगी। यहाँ पे कितनी दूरी के अंदर है यहाँ पे फैला इसका? ये सर 210 एकड़ जमीन का कोई हिसाब किताब है, ऐसे मुझे पूरा नहीं मालूम है। तो यह सेल्फी पॉइंट के लिए अलग है क्या? हाँ सेल्फी पॉइंट है यहाँ पे सर, यहाँ पे प्री वेडिंग होती है, शूटिंग होती है, गानों की शूट होती है यहाँ पे। तो कितनी पिक्चरों की शूटिंग हो चुकी है, कितने गाने? सर बहुत सारे गाने हो सकते हैं, मेरे हैं यहाँ पे किस किस से प्यार करे, कपिल शर्मा जी की, और बागी तेरी, और बहुत से जो है यहाँ पे सॉन्ग शूट हो चुके हैं। आप अपने YouTube चैनल पे सर्च करोगे तो किशनगढ़ डंपी की यार्ड से शूटिंग के लिए बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, आपके जाने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम सोनू ठाकुर है, मैं यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कराता हूँ। ये मेरा घोड़ा शेरा है और बादल है। मैं 50 रुपये पर पर्सन लेता हूँ, इसमें फोटो वीडियो राइडिंग स्लोमो नॉर्मल एक्शन वैक्शन सब कराता हूँ। आपको फोटोशूट पसंद नहीं आए तो मैं पैसे नहीं लेता हूँ सर, ये आप भी आके मेरे से। नमस्कार, मैं सुधीर जैन, अध्यक्ष किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन। पर्यावरण दूषित न हो इसके लिए एक डंपिंग यार्ड का निर्माण किया गया था, जिसमें सारी स्लरी जो भी फैक्ट्रियों से स्लरी निकलती है वो यहाँ आ जावे और अन्य कहीं जगह खाली नहीं हो के और पर्यावरण को दूषित नहीं करे, इस उद्देश्य से डंपिंग यार्ड का निर्माण पूर्व में किया गया था। करीब 320 बीघा जमीन में और 50 फुट दीवारों के साथ में इस डंपिंग यार्ड का निर्माण किया गया था। स्लैरी डलती गई और एक दिन ये आया कि ये डंपिंग यार्ड पूरा भर चुका। फिर राज्य सरकार ने हमें एक दूसरी 520 बीघा जमीन अलॉट की और हमने नया डंपिंग यार्ड निर्माण कर दिया। अब चूंकि इसकी स्लैरी सूख गई है और लोग बाग अपने वीडियो के लिए, सेल्फी के लिए, कोई प्री वेडिंग के लिए, इन कामों के लिए इसको स्विट्जरलैंड ऑफ किशनगढ़, स्विट्जरलैंड ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है और कई यूट्यूब पे कई बॉलीवुड की शूटिंग यहाँ हो चुकी है और प्री वेडिंग आए दिन होती रहती है और लगभग करीब 500 से 1000 व्यक्ति इसका आनंद लेने के लिए रोज यहाँ आते हैं। उनकी सुविधा के लिए हमने चेंजिंग रूम भी बना रखे हैं, गार्डन भी ऊपर डेवलप कर रखा है, लाइटों की भी व्यवस्था है, गार्ड भी लगा रखे हैं हमने और स्वच्छता को देखते हुए सर इसमें हमने सफाई के लिए 4 कर्मचारी हैं जो ट्रॉली लेके जो अतिथि आते हैं और अनभिज्ञता के कारण कोई बोतल वगैरह ये दूसरी चीज़ें पटक देते हैं, उनकी साफ़ सफाई करने के लिए हमने 4 स्वीपर रख रखे हैं जो इसकी साफ़ सफाई करते हैं। चारों तरफ गार्डन है, डंपिंग यार्ड के चारों तरफ हरियाली है और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमने इनका नियमित रूप से रख रखाव करने के लिए टीम लगा रखी है। सर कब चालू हुआ था सर, ये कितना टाइम हो गया इसको चालू हुआ? ये करीब 20 वर्ष हो गए, 20 साल हो गए, पर डंपिंग यार्ड का यूज अभी करीब 3 साल से ही होने लगा है।
टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका निर्माण, इसको अभी 3 साल पहले से ही शुरू हुआ है। सर सेल्फी पॉइंट जिस प्रकार देखा जाए तो सेल्फी पॉइंट में कुछ नाम भी दे रखे हैं कि सेल्फी पॉइंट के कुछ? नहीं नहीं कोई सेल्फी पॉइंट में कोई नाम नहीं दे रखे। अब हम इसका टूरिस्ट के हिसाब से हम इसका विकास कर रहे हैं, ऊपर तक रोड बना रहे हैं, पार्किंग भी है ना। सर बारिश के टाइम में अगर परेशानी तो होती होगी, परेशानी में क्या? जब अत्यधिक बारिश होती है तो हम डंपिंग यार्ड को बंद कर देते हैं और टूरिस्ट से रिक्वेस्ट करके उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम उनसे निवेदन कर लेते हैं कि प्रवेश बंद है। कितने टाइम तक बारिश बारिश में पूरा बंद रहता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो जमीन खुद चुकी है ऊपर से उसमें पानी भरता है, बाकी का लेवल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सर आपके नज़र में अब तक फिर भी कोई ऐसी कुछ पिक्चरें हैं जो भी इनकी शूटिंग हो चुकी है, कुछ दो चार नाम बताएंगे सर? ये कपिल शर्मा की एक फिल्म की शूटिंग हो चुकी है, टाइगर सराफ की हो चुकी है, और सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की हो चुकी है, ये काफी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अभी कुछ और होने वाली है सर? कुछ सूचना ही है कुछ अभी तो, और निकट भविष्य में उनकी कोई फिल्म की शूटिंग होने वाली है। सर एक ये हाल ही में अभी एक युवक की मतलब साल दो साल पहले घटना हुई थी, मतलब युवक मरा था, तो उसके लिए अभी क्या मतलब रखी गई है सुरक्षा, जैसे पानी के अंदर अगर आदमी मर जाए? पहली चीज तो वो जो लड़के थे वो प्रॉपर रूप से यहाँ से परमिशन लेके नहीं गए थे, वो ऊपर से कोई दीवार कूद के और दूसरी साइड से आए थे, जिसकी हमें न गेट वाले को न किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वो बच्चे जो थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ था वो उसमें, ये करीब रात को आए थे, वो शाम को 6-7 बजे जब हमारा मेन गेट बंद हो चुका था उसके बाद में वो आए थे, और उसमें से शायद एक बच्चा डूब गया था, जिसको दूसरे दिन निकाला गया। सर निगरानी के लिए कैमरे भी लगे हुए हैं जी? अब ये सर पानी कितना गिरा होगा वैसे? 2-2 फुट 3-3 फुट पानी। मतलब ये जो पानी की सुरक्षा के लिए मतलब कोई अंदर घुसे नहीं, उसके लिए क्या किया गया? वहाँ गार्ड लगा रखे हैं हमने, है ना। और ये जो गार्ड वगैरह है कैसे क्या मॉनिटरिंग करते हैं? वहाँ खड़े रहते हैं पानी के आसपास में और अंदर जाने नहीं देते हम, समझाइश करते हैं। ठीक है सर। और अपने जो डंपिंग गार्ड है इसकी क्या टाइमिंग रहती है? सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, इसके बाद में बंद हो जाता है ना जी। ठीक है सर। आपका परिचय? मेरा नाम सुधीर कुमार जैन, अध्यक्ष किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन। धन्यवाद।